केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के खिलाफ किसानों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन के समर्थन में सोमवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया किसान सभा द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव को सौंपा गया। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिलाध्यक्ष श्याम नारायण यादव ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किसानों के समर्थन में हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। किसान विरोधी इस एक्ट का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी विरोध करती है। इसके लिए हम लोग आज किसानों के समर्थन में सरकार के विरोध में ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस दौरान तहवर हुसैन, जयशंकर पांडे, रविंद्र राजभर, संजीव श्रीवास्तव, शिव कुमार ब्रिज, नाथ मोरिया सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए लोहिया किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमान सिंह और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिलाध्यक्ष श्याम नारायण यादव ने कहा, किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान बिल वापस लो, वापस, किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। आदित्य यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मांगे पूरी नहीं हुई, खून बहेगा सड़कों पे, खून बहेगा सड़कों पे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के निर्देशानुसार किसानों के समर्थन में हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। किसान विरोधी इस काले कानून बिल का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी विरोध करती है। देश भर के किसान दिल्ली बॉर्डर पर 11 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के साथ देने का ऐलान किया है। इसके लिए हम लोग आज किसानों के समर्थन में सरकार के विरोध में ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा। अंशुमान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसान सभा। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश के किसान, जिसे देश का अन्नदाता कहा जाता है, किसान ही एक ऐसा है कि अपने जीवन भर के श्रम बिंदु से धरती का सीना फाड़ कर देश एवं समाज की रक्षा करता है, भूख मिटाता है। किसान ही ऐसा है जो अपने नौजवान बेटे को सरहद पर भेजकर देश की रखवाली करता है। किसान ही असली राष्ट्रभक्त देश का मसीहा है। किसान अपने जीवन शैली के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करता है, लेकिन फिर भी भारत सरकार उसे जो है ऐसी निगाहों से देख रही है जो एक लोकतंत्र में बदनुमा दाग है। और इसके लिए हम उनके किसान के समर्थन में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल यादव जी के दिशा निर्देश में एक किसान सभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, एक लाइबिलिटी के नाते, मैं किसानों के समर्थन में ज्ञापन देने आया हूं। और वह ज्ञापन होगा कि ये किसान बिल को वापस लिया जाए, एमएसपी की गारंटी दिया जाए। और किसी मंत्री ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एमएसपी हम समाप्त नहीं करेंगे, तो निष्ठापूर्वक मन में जो है हृदय से उनके प्रति सच्ची संवेदनशीलता रख करके और एमएसपी को जो है लिखित एमएसपी के लिए लिखित गारंटी दें। और आज कृषि संबंधी जितने भी उपकरण हैं वह सब जो डीजल से चलते हैं, मैं मांग करने आया हूं, मांग कर रहा हूं जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को संबोधित कि डीजल के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है उसे कम किया जाए। इसी मांग को लेकर के हम लोग किसानों के समर्थन में एक ज्ञापन देने आए हैं। और इससे सरकार नहीं चेतती है, नहीं मानती है, तो इसके बाद हम विशाल धरना प्रदर्शन उनके समर्थन में करेंगे जो भूतो न भजतो। श्याम नारायण यादव, जिला अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गोरखपुर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के आह्वान पर
पूरे उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता किसान बिल वापस लेने के लिए किसानों के साथ ये सरकार जो जायजाती कर रही है उसके लिए सड़क पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसानों को इंसाफ नहीं मिला, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेगी।